कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस सीजन का 68वां लीग मुकाबला आज खेला जाएगा। प्लेऑफ के नजरिए से यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ की टीम जहां जीत हासिल करने के साथ अपनी जगह को अंतिम चार में पक्का कर लेगी, वहीं केकेआर जीत हासिल करने के बावजूद अन्य टीमों के मैचों के रिजल्ट पर निर्भर रहेगी। लखनऊ की टीम 15 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे, जबकि केकेआर 12 अंकों के साथ सातवें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 रनों से मात दे दी थी। टीम के लिए इस मुकाबले में मार्कस टोनिस ने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ कोलकाता ने भी अपने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को एक तरफा 6 विकेट से मात दी थी। इस सीजन लखनऊ और कोलकाता के बीच यह पहली भिड़ंत है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता टीम के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर स्पिन गेंदबाजों का कमाल अधिक देखने को मिलता है। अब तक यहां खेले गए 84 आईपीएल मैचों में 50 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। इस सीजन अब तक यहां खेले गए 6 मैचों में 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जबकि 3 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। कोलकाता को इस सीजन अब तक खेले गए 13 मैचों में से 6 में जीत और 7 में हार मिली है। टीम के पास 12 पॉइंट्स हैं। लखनऊ के खिलाफ टीम के 4 विदेशी खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग पायदान पर, उनके साथी खिलाड़ी जैसन रॉय ओपनिंग के लिए ही, आंद्रे रसल और सुनील नारायण हो सकते हैं। हालांकि सुनील नारायण का परफॉर्मेंस इस आईपीएल सीजन कुछ उम्दा नहीं रहा है। इनके अलावा रिंकू सिंह, नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर भी टीम को मजबूती दे रहे हैं। वहीं लखनऊ ने इस सीजन में अब तक 13 मैच खेले हैं जिनमें उसे 7 में जीत और 5 में हार मिली है। वहीं एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। टीम के पास अभी 15 पॉइंट्स हैं। कोलकाता के खिलाफ टीम के 4 विदेशी खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक जो बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे हैं, मार्कस टोनिस इनका भी बल्ला खूब चल रहा है। वहीं निचले पायदान पे निकोलस पुरन और नवीन उल हक हो सकते हैं। इनके अलावा रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या और मोहसिन खान जैसे खिलाड़ी भी लगातार अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं। ऐसे में आज का मुकाबला दोनों टीमों के बीच काफी टक्कर का हो सकता है और देखने वाली बात होगी कौन सी टीम आज का मुकाबला अपने नाम करती है।